सो गाइस, जैसा कि मेरे को पता है कि आप लोगों ने अगर इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो गाइस मुझे पता है आप लोगों के अकाउंट में प्रॉब्लम जरूर आ रही होगी। एंड गाइस हालांकि ये आपके नहीं, काफी लोगों के अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है एंड किसी किसी के में ही मोनेटाइजेशन को अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि गाइस मेरे एक फ्रेंड के मोबाइल में, मतलब कि उसके अकाउंट में आया है ये ऑप्शन, तो वहाँ पर जो है गाइस मैंने चेक किया कि वो कैसे आया ऑप्शन एंड मैंने अपने अकाउंट पर भी अप्लाई किया कि वो कैसे आएगा। तो वही चीज़, सेम चीज़ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लोग मुझे वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना। भाई गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस आप लोग मेरा नाम भी जान लो। तो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं मोनेटाइजेशन को अप्लाई करने का ऑप्शन हम कैसे ले सकते हैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। वीडियो को अगर अभी तक आप सभी ने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप सभी से कि गाइस अगर अभी तक आप सभी के पास अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब कि अगर आपके पास है तो आप, और अगर आपके किसी फ्रेंड के पास आ चुका है, तो गाइस आप लोगों को करना क्या है गाइस कि बस उससे आपको यूं बोलना है कि भाई तू मेरे को जो है उसका एक स्क्रीनशॉट दे दे, जो कि गाइस आपको साइड में दिख गया होगा कि भाई मैं कौन से स्क्रीनशॉट की बात कर रहा हूँ। अगर गाइस आप लोगों के पास नहीं है ये स्क्रीनशॉट तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग उसको डाउनलोड भी कर लेना। बाकी जो जो मैं स्टेप बताऊंगा वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। बाकी चलिए आज किसी ने वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइज, देखिए पहले आप लोग यहाँ पे ना स्टेप्स को एकदम ध्यान से देखना है एंड सभी स्टेप्स को फॉलो करना, ठीक है गाइज ध्यान से। जो जो मैं चीज़ें बोलूँगा आपको वही करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो पहले आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है एंड प्रोफाइल में जाने के बाद गाइज आपको सिंपली थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है एंड सेटिंग्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड सेटिंग्स के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे आपको बिजनेस वाला ऑप्शन मिलेगा आपको थर्ड ऑप्शन में, आपको सिंपली वहाँ पर क्लिक करना है एंड आपको सबसे सेकंड लास्ट में मिलेगा मोनेटाइजेशन स्टेटस। आपको सिंपली गाइज यहाँ पे आके आपको जो आपको यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, ठीक है यहाँ पे। एंड दो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करूंगा गाइस मैं आप लोगों को, एक ये वाला एंड आपको एक जिसमें अप्लाई का ऑप्शन आ चुका है वो वाला, ठीक है। तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड करना, ठीक है। उसके बाद आपको बैक आ जाना एंड आपको सबसे लास्ट में एक हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको सिंपली सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे, एंड हेल्प सेंटर पे भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा फोन को चेक करना है एंड रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। एंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन मिलेगा एंड टेक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है अपने स्क्रीन पर आपको सिंपली उसको लेना है। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ उसको पहले जल्दी से। एंड जैसे आप इसको ले लोगे आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपको दोबारा गैलरी में जाना है एंड जो दूसरे वाला स्क्रीनशॉट है जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है एंड उसको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। दोनों ऐड हो जाएंगे, देन उसके बाद आप सभी को यहाँ पे कुछ टाइप करना है, जो कि गाइस आपको यहाँ पे मैं अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि गाइस मेरे को टाइम लग गया था उसको टाइप करने में। तो आपको जो है पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप लोग उसको वहाँ से पढ़ लेना एंड समझ लेना एंड अपने तरफ से बना बना के भी लिख सकते हो। और अगर आपको बना बना के नहीं लिख सकते हो तो गाइस कोई नहीं, आप उसको सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सब आपके ऊपर है, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लेना, ठीक है अभी। बट आपको ये करना क्या है, यहाँ पे आपको पेस्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे टाइम जाएगा मेरा, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइस हो गया इतना, ठीक है। अब उसके बाद आपको सिंपली सेंड और रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है एंड क्लोज कर देना है। अब गाइस देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर में जो है आपको रिप्लाई आ जाएगा वहाँ से, ठीक है, कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं और क्या रीज़न है, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दो।